हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो मुझे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है वो दो चीज़ों के हवाले से है और थोड़ी सी बातूनी वाली वीडियो होने वाली है। एंड यस, द प्रिंट आर नॉट सेम बट वी आर एक्चुअली वेयरिंग द सेम कलर एंड दिस जस्ट हैपेंड। सो यस, आई होप कि आप सब लोग जो है वो सर्दियाँ बहुत मज़े से इन्जॉय कर रहे होंगे और हम लोग भी बहुत मज़े से इन्जॉय कर रहे हैं। पीछे आपको दिख रहे होंगे कम्फर्टर्स और ब्लैंकेट्स निकल चुके हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। मूंगफलियाँ खा रहे हैं, कॉफियाँ पी रहे हैं और सर्दी के कपड़े बैगों से निकल गए हैं और वी आर जस्ट इन्जॉइंग दिस शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ विंटर इन कराची बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर कराची वालों। और सो यस, तो चलते हैं आज की एक्चुअल टॉपिक की तरफ वीडियो के, जो कि एक मेरे आप देख रहे होंगे बिग चेंज टू माय हेयर्स, जो कि मैंने कलर कराए हैं कल ही। और ये मेकअप आर्टिस्ट नाइला बानो से कलर कराए हैं और उनका और मेरा दोस्ताना इट वाज अराउंड आई गेस 7 to 8 ईयर्स और मे बी मोर देन। होम बेस्ड पॉलर है उनका, बहुत ही टैलेंटेड हैं, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड विथ स्किल्स। बट बात वही आती है कि लोगों को कवरेज नहीं मिलती, उनका काम दिखाना, उनका मैं क्या बोलूँ, आई एम जस्ट ओनली ट्राई टू हेल्प हर। और ये कोलैब किया है मैंने उनके साथ एंड इस पूरे हेयर डाइंग प्रोसेस और ट्यूटोरियल की वीडियो उनके चैनल पे आप देख सकते हैं जाके। यस, शी जस्ट ओपन हर ओन यूट्यूब चैनल विच इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट और उनको पुश करने वाली मैं ही हूँ। सो यस गाइस, मेरा ये प्यार भरा मैसेज है कि आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अब आप मुझे वहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे तो देख ही रहे हैं, तो मैं आप लोगों को टॉर्चर करने के लिए आपको 24/7 मिलने वाली हूँ। और जो लोग मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे वो स्टार्ट कर दें फॉलो करना। और गाइस, ये कलर अच्छा, पहले बात करते हैं बालों पे कलर। इट्स नॉट अ हेल्दी रूटीन एक्चुअली बट मैं ऑब्सेस हूँ डाइंग माई हेयर्स और इट्स जस्ट अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं किसी को ये फोर्स नहीं करूँगी कि अपने बालों को कलर कराएं, जाके डाई कराएं और मे बी एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। मैं किसी को ये मैसेज नहीं कन्वे करूँगी कि ये सब बहुत हेल्दी रूटीन है, बट इफ़ यू लाइक इट देन गो फॉर इट। और मुझे ये अच्छा लगता है। नॉर्मली मैं बहुत ही चॉकलेट ब्राउनिश शेड्स की तरफ जाती रही हूँ पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। अगर मुझे मौका लगा तो मैं अपने ब्लॉग पे ज़रूर शेयर करूँगी अपने प्रीवियस ईयर कलर्स को। और दिस टाइम आई वॉन्ट टू गो, बट एक्चुअली दिस टाइम आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ लाइटर टोन और आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड माई इंटायर फैमिली लव द रिजल्ट। जैसे मेरे बाल टर्न आउट हुए एंड इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, जो मैं एक्सपेक्ट करी थी वही उन्होंने मुझे करके दिया। और आप प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, आप इतना इन्जॉय करेंगे और इतनी इन्फॉर्मेटिव है कि आप अगर घर पर ये काम करना चाहें तो आप अपनी बहन या किसी की मदद से जो है आप ये कर सकते हैं। पूरी प्रोडक्ट शो की गई हैं, पूरा तरीका बताया गया है एंड शी इज़ जस्ट ब्लेस्ड विद एक्सट्रीमली गुड स्किल्स एंड शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस। और अगर आप कलर कराने के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा कलर कराते रहते हैं रूटीन पे, सो आपको बालों का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है विच इज़ वेरी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो यस, अगर आप बालों का ख्याल अच्छे से कर रहे हैं सो यू कैन डू एनीथिंग। आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रिबॉन्डिंग है, एक्सटेंसो है, मैं अभी इस तरफ नहीं गई पर कैरेटिन ट्रीटमेंट्स आर वेरी गुड। और अगर आप घरेलू टोटके आजमाते हैं मेरी तरह तो आप अंडे दही का मास्क लगा सकते हैं, प्रोटीन मास्क बाजारों में अवेलेबल है विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रही, लोकली भी बहुत अच्छे अच्छे हेयर प्रोटीन मास्क अवेलेबल है। और सबसे बेहतरीन तो अंडे फेंट के लगाएं विच इज़ वेरी गुड, प्रोवाइड जनरस अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू योर हेयर्स एंड अच्छा खाएं। और सर्दियों का मौसम है, बादाम अखरोट पिस्ते खाएं, बहुत ज़बरदस्त बालों को करता है। पीनट्स बहुत अच्छे करते हैं आपके बालों को। सो बेसिकली खाना खाएं और खूबसूरत बालों का एक राज ये भी है, सिर्फ प्रोडक्ट्स में मत जाएं। सो यस, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये हेयर कलर मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आई कैन टेक ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बट आई होप कि पॉजिटिव हो एंड यू गाइज एन्जॉय दिस लुक बिकॉज आई एम एन्जॉइंग इट वेरी मच। एंड सेकेंड थिंग, जो मैंने कल पहली बार कराई वो था गोल्ड फेशियल। आई हैव नेवर डन एनी काइंड ऑफ फेशियल, एनी काइंड, नॉट दिस काइंड ऑफ फेशियल मैंने पहले कभी नहीं कराया है। और लोकल प्रोडक्ट के साथ आई वॉज टोटली स्टंट
मतलब मैं उसके रिजल्ट देखने के बाद आई वॉज, आपको अभी भी दिख रहा होगा मैं बेयर फेस हूँ, मैंने सिर्फ ब्लश लगाए हुए हैं एंड आई हैव मेरे फेस पे सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर और ब्लश लगा हुआ है एंड नथिंग मच. एंड सी के कितना प्रॉपर रिजल्ट है, मैंने कल ही ये फेशियल लिया है डॉक्टर रशील का गोल्ड फेशियल किट, आई एम लविंग इट. और अगर आप इसकी सेटिंग लें हर 10 से 15 दिन बाद तो आप विंटर्स में मॉइस्चराइज करता है, जितनी डिटेल मुझे उन्होंने बताई है करते हुए. और ये क्लीनिंग की वीडियो भी जल्दी उनके चैनल पे अप हो जाएगी. सो या गाइस, यू आर ब्लेस्ड विद इन्फॉर्मेशन और आप ये प्रोडक्ट्स कहीं से भी खरीद सकते हैं, घर पे भी ये फेशियल कर सकते हैं. फेशियल के स्टेप्स बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेलिंग करके बताई है. सो गाइज, मैं बात करी थी डॉक्टर रशील की प्रोडक्ट की और हम हमेशा जो है भागते दौड़ते जाते हैं ब्रांड्स की तरफ, विच इज़ वेरी कॉस्टली समटाइम्स. और अगर रिजल्ट देखे जाए तो कंपैरेटिवली आई गेस सेम रिजल्ट दे रहे होते हैं, पर हम डरते हैं लोकल प्रोडक्ट्स को ट्राई ऑन देने के लिए एंड आई वाज स्केयर टू. बट मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं. शी इज एक्सपीरियंस व्हाई शी यूज नॉट ऑथेंटिक प्रोडक्ट इन हर पॉलर, सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई, गिव इट अ ट्राई एंड लिटरली अमेजिंग एक्सपीरियंस. द थिंग इज के प्रोडक्ट बहुत ही बजट फ्रेंडली है, यू कैन यूज इट और बहुत ही रिजल्ट दे रही है, इफेक्टिव है, तो हम क्यों डरें लेने से. और एग्जैक्टली लोकल ब्रांड है, हम बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, सो हम ब्रांड की चीज़ें ट्राई करते हैं और बेसिकली हमें उनके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पता होते और हम उसको मज़े से लगा रहे होते हैं, भाई यहाँ से सुना फलाने से सुना एंड वी जस्ट गो फॉर, हम रियलिटी चेक नहीं करते, इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करते, कहाँ बन रही है, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है. यूजली वी फॉरगॉट टू डिग इन दीज थिंग्स. सो यार मेरी लाइट जो है वो बस ख़राब होने पर है. प्लीज़ इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप अपना प्यार अपनी सपोर्ट मुझे शेयर करते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.